हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा सा अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बना सकते हैं आप यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, अगर आप यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बनाना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव थंबनेल आप बना सकते हो। गाइज, आपको मैं कुछ आइडियाज़ बताऊंगा इसके लिए, जो कि आप यूज़ करके, जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ, आप मेरे थंबनेल देखते होंगे, तो गाइज उस तरह के थंबनेल को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं गाइज पिक्सआर्ट यूज़ करता हूँ इसके लिए। मैं एक दो एप्लीकेशन और यूज़ करता हूँ जहाँ से मैं PNG वगैरह पिक करता हूँ, या फिर मुझे और भी जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब मैं आपको बताऊँगा कि आज मैं क्या करता हूँ वीडियो में। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहो। और गाइज, होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गाइज ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर नए हो गाइज तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर और लाइक कर देना वीडियो को। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज ओपन कर लेंगे आप अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ही मैं अपना थंबनेल बनाता हूँ, यूट्यूब का जो थंबनेल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं और मैं आइडियाज़ पिक करता हूँ जहाँ से मैं टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह देखता हूँ, उसके बारे में भी आपको आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में, आप वीडियो को बस देखते जाओ। पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो गाइज़। अभी हमने यहाँ पर पिक कर लिया है, यहाँ एक बैकग्राउंड कलर जो कि येलो कलर है, और इसको हम क्रॉप कर लेंगे। टूल्स में जाकर क्रॉप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम आप सेलेक्ट करेंगे 16:9 रेशियो, जो कि यूट्यूब के थंबनेल का होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे ऐड फोटोज़ पे जाएंगे और अभी जो फ़ोटो हमने क्रॉप करा था जस्ट उसी फ़ोटो को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। वो फ़ोटो यहाँ पे प्रोजेक्ट में सेव हो जाता है। अब इसको हमने ले लिया। अभी आप जब ये जो फ़ोटो है ये आपका सेलेक्ट करके रखना होता है, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन शो करते हैं। यहाँ पर गाइस एक ऑप्शन होता है एडजस्ट का, आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड नंबर, यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप इसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ से कलर चेंज कर पाएंगे उसका। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, येलो के बाद येलो के ऊपर ब्लू कलर सही रहेगा, अच्छा सूट करेगा, तो मैंने इसको ये ले लिया। कलर कॉम्बिनेशन आपको खुद से गाइज बहुत ध्यान से आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होता है कि अगर मैं ये कलर ले रहा हूँ तो कैसा फील होगा, कैसा लुक देगा। तो ये सब आपको चीज़ें तो गाइज खुद से सोचनी पड़ती है। तो अभी हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, अभी हम इसको को गाइस यहाँ पे एक दो इसी की तरह और ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं गाइस, सिंपली यहाँ पे हम बार बार पिक्चर ऐड नहीं करते, हम यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको ऊपर में, क्लिक करोगे लेयर वाले ऑप्शन पे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलता है। इससे क्या होगा कि आप इसी तरह का एक और डुप्लीकेट बना सकते हो, तो बार बार आपको इमेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। अभी हमने देखो इसको इस तरह से सेट कर लिया है कुछ। अब इसका थोड़ा सा हम कलर फिर से एडजस्ट पर जाके फिर से इसका कलर हम चेंज करेंगे और थोड़ा सा देखते हैं कौन सा कलर इस पर दोबारा सूट करेगा, कोई अलग कलर। दो तीन कलर हम इस पर यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, लुक दिखने में ढंग का लगे। तो अभी हमने इसको ले लिया, अभी मैं इसको थोड़ा सा इसके पीछे सेट कर देता हूँ, इस ब्लू वाले के पीछे, और हल्की सी एक बॉर्डर दिखाई देगी जो थोड़ा सा सही लुक देगा। गैस बैठ के बस मैं ऐसे ही करते रहता हूँ यार, टाइम पास जब मेरे को मन नहीं लगता है और डाटा ख़त्म हो जाता है। अभी फ़िलहाल तो अभी मैंने वाईफाई लगवा लिया है तो दिक्कत नहीं होती है, और तो मैं जब बैठा रहता हूँ तो इसी तरह से टाइम पास करता रहता हूँ। गाइज़ अभी इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे, और मेन जो यहाँ पे डिज़ाइन था गाइज़ ये मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो की मदद से, और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। थंबनेल के बारे में आपको और भी कई सारी चीज़ें जो गाइज़ नहीं पता होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि थंबनेल में आप कभी भी ज़्यादा वर्ड लिखने की कोशिश मत करो यार, कुछ ऐसा लिखो तड़कता भड़कता सा, तुम छोटा सा लाइन लिखो, दो लाइन लिखो, मतलब थंबनेल खाली हो तो वो बढ़िया है, लेकिन बिल्कुल भरा हुआ नहीं होना चाहिए अलग अलग तरीके का। वहाँ पे जैसे आपने पूरा थंबनेल को भर दिया कुछ ना कुछ लिख के, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। जो भी आप लिख रहे हो बस उसमें दो चार वर्ड ही ऐड करो, एक दो लाइन ऐड करो थंबनेल में, और वो थोड़ा सा बोल्ड रखो ताकि लोगों को दूर से ही नज़र आ जाए। अगर वो नहीं भी पढ़ना चाहे, वो इग्नोर भी करना चाहे, तो वो कर ना पाए इग्नोर, आपकी वीडियो को क्लिक करके देख ही ले। दोस्तों अब ये हमारा जो बैकग्राउंड था वो हमने क्रिएट कर दिया, इसमें जो भी हमें डिज़ाइन बनाना था वो हमने डिज़ाइन बना लिया है। अब बारी है इसमें फ़ोटो लगाने की। गाइस थंबनेल पे हम फोटो तो लगाते ही हैं, और फोटो लगाने के लिए हम PNG यूज़ करते हैं, कटआउट यूज़ करते हैं। तो कटआउट मेरे पास अभी है नहीं, मैंने अभी इसको कोई सा भी कटआउट निकाला नहीं है, और ना ही मेरे पास PNG में कोई फ़ोटो है। मेरे पास एक सेल्फी पड़ी है जो कि गाइज कुछ इस तरह की। और आपके पास भी कभी कोई सिचुएशन ऐसा आता हो कि आपके पास कोई सेल्फी फ़ोटो है, और पता है सेल्फी में क्या प्रॉब्लम होता है कि फ़ोटो ना अधिकतर फ़ोटो दोनों तरफ से कटी हुई रहती है। जैसे देखो ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से कटा हुआ, मेरा हाथ कहीं भी कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में अगर मैं लेफ्ट राइट कहीं भी लगाता हूँ तो ये इमेज सही नहीं बैठता, सूट नहीं करता। तो इसके लिए गाइज आप क्या कर सकते हो जो मैं आपको बताता हूँ, आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है और नीचे आपको ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ से ऑप्शन स्लाइड करना है। एंड गाइज सबसे लास्ट में सेकंड लास्ट नंबर मिलता है आपको सेव क्रॉप का ऑप्शन, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने पिक्चर को सर्कल में करके करेंगे तो फेस तो ज़्यादा बेटर होगा,
बाकी और भी कई सेप है, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन सर्कल अगर आप करोगे तो अच्छा लगेगा। सर्कल सेप हमने यहाँ पे कर लिया और इसको हम ऊपर से चेक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना बॉर्डर इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हो, तो बॉर्डर आप 6-7 के आसपास रख लो, वो सही रहेगा। उसके बाद यहाँ से सेव कर देते हैं। हमने सेव कर दिया, अब देखो आप वही वाला इमेज यहाँ पर भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, इसका लुक बढ़ गया है। अभी इसको लुक बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इमेज को पहले सेट कर लो जहाँ पे भी रखना चाहते हो आप। पता है इमेज को एक साइड रखोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर आप जब टेक्स्ट लिखोगे तो वो ज़्यादा दिक्कत होगा टेक्स्ट लिखने में। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट वाला ऑप्शन ओके करेंगे और यहाँ सिंबल में जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन मिलता है, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम यहाँ से एक ब्रैकेट को हम यहाँ से टाइप कर लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे। अभी गाइस इसको हम क्या करेंगे, जूम करके कुछ इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो के नीचे लगा देंगे ताकि फ़ोटो का जो लुक है वो बढ़ जाए, फ़ोटो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। इसको हम ऐसे करेंगे, तो गाइस थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, इसमें थोड़ा बारीक मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अभी हम इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे, ऊपर से लेयर को क्लिक करेंगे और एक और इसी तरह का निकाल लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें बताते हुए चलूँ, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने कौन सा कहाँ से ऑप्शन क्लिक किया। तो अभी हम इसको एक और यहाँ पे हमने ऐसा निकाल लिया, अभी इसको हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देते हैं कुछ दोस्तों। तो चलो मैं आपको सेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि यार वीडियो पहले से बहुत बड़ी होने वाली है तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। तो अभी हमने इसको सेट कर दिया, यहाँ पे इस तरह से लगा दिया गाइस, तो अभी इसका इमेज का थोड़ा सा लुक पड़ गया है। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, जो भी आपका टेक्स्ट ऐड करना हो, तो थंबनेल और डिज़ाइन, थंबनेल डिज़ाइंस। अभी देखो आप, मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिया है जानबूझ के लिया, मैं आपको बताने के लिए लिया हूँ। अभी इसको हम बड़ा करेंगे, अगर लगाएंगे यहाँ पे हम, तो ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो पूरा भी छोटा हो जा रहा है। लेकिन पता है यहाँ पे आपको मेन टॉपिक क्या है, जब भी आपको एक बात और यहाँ पे बताऊँ मैं आपको थंबनेल के बारे में, जो भी आपका मेन टॉपिक होता है, जैसे वीडियो के आपने अंदर में वीडियो में क्या बात करी है, किससे रिलेटेड है, किसी एप्लीकेशन का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम, तो उसको थोड़ा सा बड़ा रखिए, थोड़ा बोल्ड रखिए, ताकि लोगों की नज़र उस पर पहले पड़े। तो मेरा यहाँ पर मुद्दा है, टॉपिक है थंबनेल, तो मैं उस थंबनेल को बड़ा रखना चाहूँगा। अभी मैं इसको कलर लगाऊँगा, और गाइज येलो कलर पे आपको ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ये सारे ये 3-4 कलर ऐसे हैं जो काफ़ी हाईलाइट शो होते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर रखना पसंद करूँगा। और हमने इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लिया ताकि इसका साइज़ बोल्ड दिखे। सो हे गाइज, इस वीडियो में अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ, फिर भी ये लग रहा है 8-9 मिनट का बन ही जाएगा, कोई नहीं। अगर आप चाहते हो डिटेल वाली वीडियो तो मैं आपको बना के दूंगा, वो तकरीबन 10-15 मिनट की बनेगी, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा और भी कई सारे ट्रिक्स बताऊँगा कि अलग अलग फ़ोटोज़ को कैसे लगा सकते हो आप। अगर अलग फ़ोटो है आप, मतलब फ़ोटो लगाने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादा बता नहीं पा रहा यार, क्योंकि वीडियो को मैं फर्स्ट टाइम देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, उसके बाद मैं आपको एक और डिटेल वाली वीडियो दूँगा। सो अभी देखो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको क्रिएट करा है। अभी पिक्स आर्ट से थंबनेल कैसे बनाए, पहले मैंने ये लिखा था, फिर मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर वर्ड ऐड किया। अभी गाइज अभी भी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसमें मैं यहाँ पे कॉल आउट ऐड करूँगा, डिज़ाइनर के पीछे मुझे एक सफ़ेद पट्टी चाहिए। तो अभी ये जो कॉल आउट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है, टाइप करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। कीबोर्ड में आपका स्पेस बटन होता है, स्पेस बटन दबाएंगे तो ये ब्लैंक हो जाता है और ये आपके ब्लैंक की एक सफ़ेद पट्टी आपको मिल जाती है। अब इसको मैं इसके पीछे लगा दूंगा, जो डिज़ाइनर लिखा हुआ तो वर्ड आ रहा था वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था, अब उसको मैं इसके पीछे लगा दूंगा। यहाँ ऊपर में आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और मूव डाउन कर देंगे, तो ये जो सफ़ेद पट्टी है वो इसके नीचे चली जाती है, और जो डिज़ाइनर लिखा हुआ आ रहा था वो इसके ऊपर है। अभी मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो ये देखो ये भी इसके ऊपर है, और जो हमने सफ़ेद पट्टी ऐड करी है वो पीछे इसके पीछे चला गया। अब इसका फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर देते हैं, देखते हैं कौन सा सूट करता है। गाइस ये सारी आइडिया थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा खुद में, ये मतलब आपको सीखना पड़ता है गाइस। मैंने भी सीखा नहीं हूँ, बस दूसरों को देखता हूँ कि वो लोग कैसे क्रिएट किए, उन्होंने क्या क्या यूज़ करा है, और इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, उसमें कुछ मॉडिफाई करता हूँ। और मैं आइडियाज़ पिक करने के लिए ब्रांड मेकर एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स का डिज़ाइन मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगो डिज़ाइन मिल जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और वहाँ से आप PNG भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा आपको ऊपर आई बटन में, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप गाइज बना सकते हो, अगर आपने स्टार्ट ही करा है, तो अगर आप बनाना सीख रहे हो तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप इस तरह से बैठ के टाइम पास करोगे तो अच्छा रहेगा। फाइनली आपका जो थंबनेल है गाइज वो बन के रेडी है, आप मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा। मैंने इस पे अपना लोगो लगा दिया और एक ट्रिक वाला एक और भी चीज़ ऐड कर दिया। अब इसको हम ड्रॉ टूल पे जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे यहाँ से, इससे HD में फोटो सेव हो जाती है। सो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय।